Once again, I welcome you to my YouTube channel, English with Ashish Raj. और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं possessive case. और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है. और बेल आइकॉन को भी दबा दें और ज्यादातर लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँच पाए. आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है. जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे चैनल उतना तेजी से आगे बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा. तो चलिए हम शुरू करते हैं. पजेसिव केस है क्या? ऐसे शब्द जो किसी का मालिकाना हक दर्शाते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा या आपका, हमारा, उसका, किसी लड़के का, उसका, किसी लड़की का, उनका या उन लोगों का. ये पजेसिव केस एक एग्जाम्पल. पजेसिव केस को हम दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउन. तो चलिए हम छोटी सी एक तालिका बनाते हैं और उसके माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं. तो सबसे पहले नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद हम दूसरा रखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और तीसरा पजेसिव प्रोनाउन. तो नॉमिनेटिव केस में हमारा पहला है फर्स्ट पर्सन आई यानी मैं. इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो होगा माई यानी मेरा और पजेसिव प्रोनाउन माई उसका क्या अर्थ होता है मेरा. फर्स्ट पर्सन वी यानी हम उसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर यानी हमारा और पजेसिव प्रोनाउन आवर्स यानी भी हमारा. सेकेंड पर्सन यू, यू के लिए यू यानी तुम या आप उसका पजेसिव एडजेक्टिव होगा योर यानी तुम्हारा या आपका, पजेसिव प्रोनाउन योर्स यानी तुम्हारा या आपका. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही यानी वह या वो उसका पजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज और ही के लिए पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर शी यानी वह या वो कोई लड़की उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव होगा हर यानी उसका किसी लड़की का और पजेसिव प्रोनाउन हर्स यानी उसका किसी लड़की. थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे यानी वे या वे लोग उसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर यानी होगा पजेसिव प्रोनाउन देयर्स यानी उनकी. यदि कोई नाम हो जैसे राम, राम्स राम का, इसके लिए पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता. कोई लड़की हो नेहा, नेहास अपोस्ट्रोफी एस नेहा. यदि हमारा नॉमिनेटिव केस दिस दैट या इट हो तो उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग करते हैं और पजेसिव प्रोनाउन नहीं. और यदि हमारा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस दीज दोज या दे हो तब उसके लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव देयर का ही इस्तेमाल. ये बात हम और बेहतर तरीके से वाक्य में समझ सकते हैं. तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं. सबसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन कब इस्तेमाल किया जाए. हम पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब वाक्य में हमारे पास कहने के लिए कोई नाउन हो और पजेसिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे पास वाक्य में कहने के लिए कोई नाउन ना हो. तो हमेशा ध्यान रखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव. सो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन. एन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव वो शब्द कहलाता है जिसे हम नाउन के तरह इस्तेमाल करते हैं. तो हम
पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग तभी करेंगे जब हमारे पास वाक्य में कहने के लिए कोई नाउन हो, और यदि नहीं तब हम पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम पहले वाक्य से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, ये मेरा पेन है। मेरा के बाद कहने के लिए पेन है, वाक्य बनेगा दिस इज माय पेन। लेकिन यदि वाक्य हो ये पेन मेरा है, वाक्य बनाते समय ये पेन दिस पेन इज मेरा के बाद हमारे पास कहने के लिए कोई नाम नहीं है, इसलिए माय की जगह पर माइन का इस्तेमाल करेंगे, दिस पेन इज माइन। और यदि आपको इंग्लिश में कहना हो इशारा करते हुए कि ये मेरा है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज माइन। दूसरा एग्जांपल, वो तुम्हारा बॉक्स है, दैट इज योर बॉक्स। योर बॉक्स क्यों? क्योंकि तुम्हारे के बाद कहने के लिए हमारे पास वाक्य में नाउन है बॉक्स। वो तुम्हारा बॉक्स है, दैट इज योर बॉक्स। लेकिन यदि वाक्य हो कि वो बॉक्स तुम्हारा है, तो कैसे बनेगा? दैट बॉक्स इज, अब तुम्हारा के बाद हमारे पास कहने के लिए कोई नाउन नहीं है, इसलिए योर का जो पजेसिव प्रोनाउन है वो योर्स होता है, और हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य बनेगा दैट बॉक्स इज yours। और यदि इशारा करते हुए हम ये कहना कि वो तुम्हारा है, तो that is yours, वो तुम्हारा है। ये हमारा मकान है। हमारा के बाद कहने के लिए हमारे पास वाक्य में मकान है, जो कि एक noun, इसलिए हम यहाँ वाक्य को बनाएंगे this is our house, ये हमारा मकान है, दिस इज आवर हाउस। और यदि वाक्य हो ये मकान हमारा है, तो वाक्य बनेगा दिस हाउस इज आवर्स। और सिर्फ इतना कहना हो इंग्लिश में कि ये हमारा है, दिस इज आवर्स। वो उनकी दुकान है, उनकी एक से अधिक लोगों की दुकान। वो उनकी दुकान है, इंग्लिश में कैसे बनेगा? That is their shop। और यदि वाक्य हो कि वो दुकान उनकी है, तो that shop is theirs। और यदि हम इशारा करके इतना कहना हो कि वो उनकी है, तो बनेगा That is theirs। वो उसका प्रॉब्लम है, किसी लड़के का, या वो उसकी समस्या है, किसी लड़के की समस्या, बस बोलेंगे That is his problem। और यदि बात हो कि वो प्रॉब्लम उसकी है, That problem is Is। और वो उसकी है, that is his। ये उसकी किताब है, किसी लड़की की, तो ये उसकी के बाद कहने के लिए हमारे पास नाउन है किताब, वाक्य बनेगा this is her वाक्य वो ये पुस्तक उसकी है, वाक्य बनेगा दिस बुक इज हर का पजेसिव प्रोनाउन हर्स, दिस बुक इज हर्स। और यदि सारा करते समय हमें ये कहना हो कि ये उसकी है, दिस इज हर्स, हमारे पास वाक्य में नहीं है, या हम उसको नहीं बोल रहे। जब हम उसे नहीं बोल रहे हैं तो पजेसिव प्रोनाउन, और यदि हम पजेसिव के बाद कोई नाउन बोल रहे हैं तो पजेसिव
और इसी प्रकार यदि हम किसी निर्जीव चीज के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है और इसका रंग लाल है एंड इट्स कलर, इसका किसी निर्जीव वस्तु का टेबल का उसके लिए हम इट्स लगाएंगे एंड इट्स कलर इज रेड। यदि हमें कोई नाम मिलता है, कोई व्यक्ति हो उसका ये बता रहा हो, तब हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, जैसे ये रवि का ऑफिस है तो दिस इज रवि's ऑफिस, ये नेहा की स्कूल है तो दिस इज नेहा's स्कूल, वो मोहन का बैग है दैट इज मोहन's बैग। एक से अधिक लोगों का है ये बताने के लिए और हम उसको वाक्य में मेंशन भी कर रहे हैं, तब उसके लिए हम मत अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद हमें एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये लड़कों का स्कूल है दिस इज बॉयज स्कूल, ये लड़कियों का स्कूल है दिस इज गर्ल्स स्कूल।